नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आप देख रहे हैं स्टडी विद अभिषेक। तो दोस्तों, मैं अभी लेके आ गया हूं आप लोगों को मोस्ट इम्पॉर्टेंट फुल फॉर्म्स यानी कि एब्रिविएशन जो है पिछले 3-4 वर्षों में पूछे गए हैं आपके नेवी एमआर के एग्जाम में, उसका पार्ट सेकंड लेकर के। दोस्तों, इससे पहले मैं पार्ट वन करवा चुका हूँ जिसमें मैंने टोटल 30 करवाए थे और अभी आज भी मैं टोटल 30 ही करवाऊंगा। तो अगर आपने वो वाला पार्ट नहीं देखा है तो सबसे पहले तो आप वो पार्ट देख लेना। वो कहाँ पर मिलेगा? आई बटन में उसका लिंक मिल जाएगा और वीडियो के एंड में भी मिल जाएगा। तो जाकर के सबसे पहले उसे देखो एंड देन इसको उसके बाद देखना। और एक और चीज़ यहाँ पे बताना चाहता हूँ दोस्तों कि मेरा एम ये है कि कहाँ से हम सोचते हैं ना कि हम कहाँ से इजीली नंबर यानी कि मार्क्स गेन कर सकते हैं, तो दोस्तों इससे हम 2 से 3 नंबर इजीली गेन कर सकते हैं बहुत ही कम मेहनत में। तो इसलिए ये टॉपिक मैं कवर करवा रहा हूँ और जितने मैं करवा रहा हूँ ना इसी में से आपका पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो आप सभी को रट जाना, बिल्कुल हाँ रट ही जाना, यही मैं बोलना चाहता हूँ, रट जाना, क्योंकि ये रटना मुश्किल नहीं है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही आसानी से आप याद कर सकते हो। अगर थोड़ा थोड़ा अगर आप 10-10 मिनट 20-20 मिनट डेली देखा करो तो आपका टोटल याद हो जाएगा। अभी तो मैं जब अभी करवाऊँगा तो अभी आपके दिमाग में बहुत सारा जो है आ जाएगा, यानी 30 है तो इसमें 20 और 25 के आसपास आपके दिमाग में बैठ जाएगा। कुछ ऐसे होते हैं जो कि थोड़ा हमारी पकड़ से बाहर के होते हैं और उनके वर्ड्स को पकड़ना थोड़ा मुश्किल होता है, तो वो भी धीरे धीरे आप याद कर पाओगे। तो शुरू करेंगे हम इसको और देखते हैं कि आप लोग को कितना याद है इसमें। आप ये भी कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना कि आपको कितना पहले से याद था इसमें। तो शुरू करेंगे वीडियो को, उससे पहले बोलना चाहूँगा कि अगर आप चैनल पर नए हो और नेवी एमआर की बेस्ट तैयारी चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर देना, क्योंकि ऐसी अपडेट आप लोगों को यहाँ पे हमेशा मिलती रहेगी। अच्छा, सेकंड चीज़ है कि मैंने जैसे आप लोगों से बोला था कि जो इसकी पीडीएफ होगी यानी कि आप लोगों के लिए जो पीडीएफ मैं दूंगा वो कैसे दूंगा, इसका जो लास्ट पार्ट खत्म होगा जिस दिन उसके अगले दिन आपको एक लिंक दे दिया जाएगा। कहाँ पे लिंक दिया जाएगा? मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। इंस्टाग्राम अकाउंट की आईडी जो है लॉगिन है उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, तो वहाँ से जाकर के आपको ज्वाइन करना है। मुझे आईडी आपकी स्क्रीन पर दिख रही है, तो आपको जैसे भी करना है कर लेना है। इंस्टाग्राम पर मैं लिंक दूंगा, उसके सहारे आप डाउनलोड करके रख सकते हो अपने पास इसका जो पीडीएफ होगा, पीडीएफ फाइल वो, ठीक है। तो इस तरीके से आपको करना है। अभी वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं एब्रिविएशन। गाइस, हमें 31 नंबर से करना था। 31 है ईएआरसी। ईएआरसी का क्या हो जाता है? इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मर्स कमीशन। क्या हो जाता है? इकोनॉमिक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्मर्स कमीशन। तो ये अगर आपका फुल फॉर्म आता है तो इसका मतलब यही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा ईसीजी, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। आपने सुना होगा कभी ना कभी कि जो लोग हार्ट के पेशेंट होते हैं उन लोगों का ईसीजी या फिर हार्ट की एबनॉर्मिलिटी को चेक करने के लिए, वो सब के लिए क्या किया जाता है? ईसीजी का प्रयोग किया जाता है। ईसीजी एक प्रकार का आपका टेस्ट है, आपके हृदय का चेक होता है। आपने इंडियन एयरफोर्स के बारे में सुना होगा कि नेवी और आर्मी इन सब चीज़ों में नहीं होता है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स में आपका ईसीजी भी लिया जाता है जब आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है। तो इसका मतलब होता है क्या? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ मतलब ईसीजी हो जाता है। चलिए नेक्स्ट है ईएसआई। ईएसआई का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस। क्या हो जाता है? एम्प्लॉयज स्टेट इंश्योरेंस, इसको ही हम ईएसआई बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं एफएओ। एफएओ का मतलब क्या हो जाता है? फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये प्रश्न आप लोग नोट करके, यानी कि जो हम लिखते हैं वीवीआई या फिर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, उसको इसमें रख लीजिएगा। इस क्वेश्चन को वीवीआई में ही रखना, क्योंकि ये आपका पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। तो एफएओ जो है ये फूड और एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, एक प्रकार का ये संगठन है, ठीक है। चलिए अगला हम लोग देखेंगे एफबीआई। एफबीआई क्या होता है दोस्तों? फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ये रिलेटेड किससे है? यूएसए से है। ये जो ब्यूरो है इन्वेस्टिगेशन का, ये यूएसए का है। संबंधित है कहाँ से? संयुक्त राज्य अमेरिका से। क्या हो जाता है? फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। नेक्स्ट है हमारा एफसीआई। आपने एफसीआई का एग्जाम भी दिया होगा कभी ना कभी, या फिर सुना होगा अपने दोस्त से, अपने बड़े भाई से, किसी से भी सुना होगा कि एफसीआई का एग्जाम है, ये है वो है। तो ये इसका मतलब क्या हो जाता है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो इसी के लिए वैकेंसीज निकलती हैं अलग अलग स्तर पे, जैसे कि आपका गार्ड के लिए और इन सब चीजों के लिए, तो उसका एग्जाम लोग देने जाते हैं। तो इसका यही अर्थ होता है, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि एफसीआई। नेक्स्ट है हमारा 37 नंबर एफआरसीपी। एफआरसीपी का मतलब क्या हो जाता है? फेलो ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियंस। क्या हो जाता है? फेलो ऑफ रॉयल कॉलेज ऑफ फिजिशियन, इसी को हम बोलते हैं एफआरसीपी। नेक्स्ट है हमारा जीएटीटी।
GATT में हो जाता है, जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। क्या हो जाता है? जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, इसको हम GATT बोलते हैं, गैट भी बोल सकते हैं, इस तरीके से भी हम याद रख सकते हैं इसको। नेक्स्ट है हमारा 39, GIC यानी कि जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन हो जाता है GIC का मतलब। नेक्स्ट है GMT। अच्छा, अब GMT के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं। GMT क्या होता है? ग्रीनविच मीन टाइम, विश्व मानक समय के अनुसार ग्रीनविच मीन टाइम जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं? GMT, GMT ये विश्व मानक समय है, ग्रीनविच मीन टाइम इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है हमारा GNP, इसका क्या मतलब हो जाता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। क्या हो जाता है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। जिस तरीके से GDP होती है, GNP होती है, ये सब चीजें जो हो है आपने जरूर पढ़ा होगा 10th क्लास में, 10th में ही है ये सब। तो GNP का मतलब हो जाता है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। अगला HAL, हॉल के बारे में भी आपने सुना होगा। ये क्या हो जाता है? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। क्या होता है इसका फुल फॉर्म? हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसको ही हम हॉल बोलते हैं, HAL, ये हो जाता है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ठीक है। नेक्स्ट वन है हमारा HMT। अब इसके बारे में भी आपने सुना होगा, इसका क्या होता है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स। क्या हो जाता है? हिंदुस्तान मशीन टूल्स, उसको HMT से बोला जाता है। नेक्स्ट वन हम देखेंगे हमारा 44 नंबर, HUDCO। तो क्या हो जाता है इसका? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। क्या हो जाता है? हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, इसको हम क्या बोलते हैं? हुडको बोल सकते हैं, या फिर HUDCO, या फिर ऐसे भी बोल सकते हैं डायरेक्ट हुडको, हुडको से याद रख सकते हैं, हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। नेक्स्ट वन है हमारा IBRD। IBRD का क्या मतलब होता है? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, ये विश्व बैंक का है, और इसलिए क्या हो जाता है? IBRD का फुल फॉर्म होता है क्या? इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकॉन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। रिकंस्ट्रक्शन के लिए और डेवलपमेंट के लिए ये जो है बैंक है, इंटरनेशनल बैंक है। नेक्स्ट वन हमारा 46 नंबर, ICAR, इसका क्या हो जाता है मतलब? इसका हो जाता है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसका क्या मतलब होता है? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, इसका मतलब हो जाता है ICAR। ICHR है हमारे सामने अब, ICHR का क्या हो जाता है? इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। तो आप ये थोड़ा सा याद रख सकते हैं, ICAR, ICAR से क्या हो जाता है? ICAR, दैट मीन्स की मेरी कार, ऐसे आप याद रख सकते हैं। ICAR अगर आपका है तो ICAR में क्या हो जाएगा? इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, और यहीं पे है ICAR, ICAR के थ्रू आप याद रख सकते हैं, ICAR यानी ICHR, ICAR से याद रख सकते हैं, कैसे आप? इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च। तो इस तरीके से स्ट्रिक्ट से आप इन दोनों को याद रख सकते हैं, इन दोनों में से एक जरूर आपके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। चलिए अगला है ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अब ये दो देशों के बीच में जब कोई होता है, जैसे हम लोग का होता है क्या, कोर्ट में हम लोग जाते हैं, पहले जो हमारा होता है सिविल कोर्ट, हाई कोर्ट, उसके बाद जो हमारा सुप्रीम कोर्ट होता है, उस तरीके से। तो ये इंटरनेशनल कोर्ट है, ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस होता है, जिसमें कि अगर अभी आपने कुछ समय पहले सुना होगा जो हमारा, हाँ हमारा कुलभूषण यादव, कुलभूषण जाधव जिनका है, वो जिन्हें पाकिस्तान ने अभी अपने पास कैद करके रखा है, तो उनके साथ, पाकिस्तान के साथ हमारा केस चल रहा है कहाँ पे? इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में। किस लिए? हम कुलभूषण यादव को अपने यहाँ लाने के लिए, हम उनको अपने पास लाने के लिए जो है केस को लड़ रहे हैं, और कुछ दिन पहले भारत की एक बहुत ही बड़ी सफलता भी हाथ लगी थी इसके रिगार्डिंग। तो यही होता है, दो देशों के बीच की जो लड़ाई होती है किसी मुद्दे पे, गंभीर मुद्दे पे, किसी मसले पे, तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में चलती है। इसमें जजों की बेंच होती है, सभी देश से जो सिलेक्टेड नेशंस हैं उनसे जज होते हैं, और वोटिंग के आधार पे ये डिसाइड किया जाता है कि किसकी जीत हुई है और किसके साथ जो है निर्णय जाता है, ठीक है, इसके अकॉर्डिंग होता है। तो यही होता है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। अच्छा, अब ICG, इसी के अकॉर्डिंग मैंने लिख लिया है ICG। ICG क्या है? इंडियन कोस्ट गार्ड, इंडियन कोस्ट गार्ड आप लोग जानते हैं, इसको बताने की कोई जरूरत है नहीं। नेक्स्ट है IDBI,
IDBI के मतलब होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। IDBI के बारे में आपने सुना होगा, अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से हैं तो बहुत बार आपने सुना होगा क्या होता है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया IDBI। IDBI के अंतर्गत जो बैंकों का वो है गांव के स्तर पे भी बैंक को चलाया जा रहा है। तो ये है सरकार की एक पहल जो है डेवलपमेंट करने के लिए बैंक के रिगार्डिंग, ठीक है, लोगों को। IDPL क्या है, इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, क्या हो जाता है इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड को हम बोलते हैं IDPL। तो इडपल और इडबी इसको बोल सकते हैं, और इडपल। और एक चीज मैं बताता हूं दोस्तों, बहुत ही फनी चीज है, मैं कुछ टाइम पहले मतलब जब मैं थोड़ा छोटा था तो उस टाइम पे जब भी मैं इसको IDBI को देखता था तो मैं IDBI नहीं पढ़ता था ऐसे लिखे होने पे, मैं इडबी पढ़ता था, इडबी। तो आप इस तरीके से आप इडबी याद रख सकते हैं, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, और इसको आप इडपल के अकॉर्डिंग याद कर सकते हैं, इंडियन ड्रग एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड, तो ऐसे याद कर सकते हैं आप। इफको है, नेक्स्ट है इफको। इफको में क्या है, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन, इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजेशन कॉरपोरेशन, इसका जो ऑफिस है वो है नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में है इसका ऑफिस, इसका होता है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कॉरपोरेशन। नेक्स्ट है IIT। IIT के बारे में तो सबने सुना होगा, और एक बार ऐसा टाइम आता है कि हम अपने लाइफ में सोचते हैं कि हमको भी IIT करना है और ये सब चीज़ें, और इसका मतलब होता है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी को IIT से सूचित किया जाता है। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप BVI टिक कर लेना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, क्योंकि पिछले एग्जाम में पूछा गया है। क्या होता है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, इसको हम बोलते हैं ILO, ठीक है। अगला है IMF। IMF का नाम सुनते ही आपको किस देश का नाम याद आता है? IMF का नाम सुनते ही मुझे तो पाकिस्तान का नाम याद आता है, क्योंकि वो लोग बहुत ही हमेशा IMF के सामने ही अपना जो है पूरा बोरिया बिस्तर लेकर के जाते हैं कि ये दो वो दो ऐसे दो पैसे दो ये सब चीज़ें। तो ये हो जाता है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, इसके थ्रू जो देश विकासशील होते हैं और जिनके पास जो फंड है वो कम होता है, कमी होती है, तो ये जो है इसके द्वारा मिलता है, IMF के द्वारा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। तो यही होता है, तो आपने सुना जरूर होगा इसके बारे में। नेक्स्ट है INA, इंडियन नेशनल आर्मी। इंडियन नेशनल आर्मी INA होता है। नेक्स्ट है हमारा INSAT। INSAT का क्या मतलब हो जाता है? INSAT का होता है कि इंडियन नेशनल सैटेलाइट, क्या हो जाता है इंडियन नेशनल सैटेलाइट। इसको कैसे कर दिया गया है, देखिए इंडियन को ऐसे रख दिया गया है आई से, और नेशनल को भी एन से सूचित कर दिया गया, और देन उसके बाद क्या किया गया है SAT यानी कि सैट। तो INSAT के अकॉर्डिंग आप याद रख सकते हैं इसको, ये ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हैं, कैसे इस इनको ऐसे कर लो और सैट, INSAT, INSAT से आप जो है इंडियन नेशनल सैटेलाइट को आप याद करके रख सकते हैं, ठीक है। अगला है इंटरपोल। इंटरपोल का क्या होता है, इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनेशनल क्रिमिनल पुलिस ऑर्गेनाइजेशन को बोलते हैं इंटरपोल। इंटरपोल फिल्मों में आपने बहुत टाइम पे सुना होगा, तो यही होता है इसका मतलब। नेक्स्ट है हमारा INTUC, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। ये एक संगठन है जो कि जिसको बोला जाता है INTUC, इंडियन नेशनल ट्रेड यूनियन कांग्रेस। और लास्ट वन है IPC। अब आपने देखा होगा, अगर आप लोग देखते हैं TV पे धारावाहिक भी देखते होंगे, तो आपको पता होगा कि IPC सुना होगा आपने, जैसे क्राइम पेट्रोल और इन सब चीज़ों में। तो IPC का मतलब क्या होता है, इंडियन पैनल कोड। IPC की धारा यानी सेक्शन, इसके अंतर्गत इतने के तहत ये कार्रवाई की गई, इस तरीके से आपने जरूर सुना होगा। तो यही होता है इंडियन पैनल कोड। इंडियन पैनल कोड के अंतर्गत कार्रवाई होती है आपके विरुद्ध अगर कोई ऐसी कोई बात होती है तो IPC हम उसको ही बोलते हैं, IPC की धारा इतनी और ये वो ये सब चीज़ें इसी के अंतर्गत आती है, इंडियन पैनल कोड के अंतर्गत। दोस्तों ये 30 थे, अब इसके आगे एक या दो पार्ट और आएगा इसका, जिसमें कि मैं पूरा कंप्लीट करवा दूंगा और इसी में से आपके एग्जाम में पूछा जाएगा। तो इस वीडियो में इतना ही, आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा। चैनल पे अगर आप नए हो, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो यार, ऐसी अपडेट मैं आप लोगों को हमेशा देते रहूंगा। इंस्टाग्राम की आईडी आपके स्क्रीन पर है @abhishek.singh798, और टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हो तो सर्च करो @studywithabhi। तो दोनों जगहों पे जाकर के जरूर से जुड़ जाना, क्योंकि वहीं पे आपको PDF जो है मिलेंगी। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं एक और वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखो। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।